हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल लेजनी किंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एसएससी जीडी मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। और ये फ्रेंड्स रीजनिंग का मतलब बेसिक चैप्टर्स है, बेसिक इक्वेशंस है, जो कि लगभग रेलवे ग्रुप डी एसएससी लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी जो कि एसएससी जीडी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से इन सारी क्वेश्चंस को जो कि मैं सॉल्यूशन के साथ बना रहा हूं, आप इनको एंड तक वॉच कीजिए और इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में वो चीज हम लोग फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि सभी महिलाएं जो है वह लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी वुमेन्स है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारा का सारा ये जो है ये गर्ल्स है, ये सारा का सारा क्या है, ये गर्ल्स है। और आगे लिखा गया फ्रेंड्स कि कुछ लड़कियां जो चित्रकार, इस तरह से हम लोग का दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वोमेन्स का आर्टिस्ट के साथ कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है। और वैसे केस में यहाँ पे अगर कुछ भी अगर पूछा जाएगा, बस अर्थे कंक्लूजन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सम और नोट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तब वो आइदर होगा, नहीं तो ये गलत हो जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका इसके साथ हम लोग को रिलेशन आता पता नहीं है, ये नो आइडिया है। लेकिन हम लोग कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बोला गया है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं वो महिलाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी महिलाएं लड़कियां हैं। और अगर लड़कियां को अगर महिला अगर होना हो तो इसके लिए कंक्लूजन होना चाहिए कि कुछ लड़कियां महिला है, तब ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया सभी लड़कियां महिला है, इसलिए पहला नंबर कंक्लूजन गलत है। और दूसरा बोला गया कुछ महिलाएं चित्रकार है, तो महिला यहाँ पे है फ्रेंड्स और चित्रकार यहाँ पे, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और जब दोनों गलत हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं बोथ आर रॉन्ग, मतलब दोनों गलत है, तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बोथ आर रॉन्ग। ये दोनों को दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इक्वेशन दिया गया है और इन सारे हम लोग का जो साइन है उसके जगह पे कुछ वैल्यू दिया गया है, जिसको यहाँ पुटअप करेंगे और फाइनली इसका वैल्यू देखेंगे क्या आता है, वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स, यहाँ प्लस का अर्थ लिखा गया है जोड़ है, तो यानी कि हम लोग जहाँ पे भी हम लोग ये है ना, और प्लस का हम लोग का डिवाइड का अर्थ जोड़ लिखा गया है, प्लस का अर्थ हम लोग घटाव लिखा, माइनस का अर्थ गुना है, इस तरह सारे वैल्यू को यहाँ पहले पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा गया 49 और यहाँ पे हम लोग का लिखा गया मल्टीप्लाई का साइन दिया गया, मल्टीप्लाई की जगह पे हम लोग का डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का माइनस है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना लिखा गया, यहाँ पे गुना लिखेंगे। फिर डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस लिखा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। और यहाँ प्लस का अर्थ लिखा घटा, तो यहाँ पे हम लोग घटा लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है, हम लोग बोर्ड मास नियम में जानते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है हम लोग का डिवाइड का रूल काम करेगा, यानी कि यहाँ पे 49 को अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 × 49 हम लोग को 7 आएगा, और यहाँ बोल सकते हैं × 3 हो जाएगा, और +9 और -4 होगा। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, तो आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि यहाँ पे अब इसका ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 हो जाएगा और +9 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर प्लस वाला काम पहले होगा, तो यहाँ पे 21 और 9 यानी 30 हो जाएगा, और इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 26 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असंगत का चयन करना है, मतलब उसमें से 4 ऑप्शंस दिया गया जिसमें से 3 एक जैसा है, 1 अलग है, जिसको हम लोगों को चुनना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला में जो है इसमें आपको दिख रहा हो कि ओ यू और ए है, जो कि तीनों लेटर आपको भोवेल दिख रहा, और सेकंड में ए ई और आई है, इसमें भी आपको तीनों लेटर भोवेल दिख रहा, और फोर्थ नंबर में आई ओ और यू है, इसमें भी तीनों लेटर आपको भोवेल दिख रहा। लेकिन यहाँ पे थर्ड में हमको एफ जी और एच लिखा, जो कि कॉन्सनेंट है, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका तीनों लेटर कॉन्सनेंट है, इसलिए अलग हो जाएगा, बाकी सभी में सारा क्या दिया गया, तो ये भोवेल दिया गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हम लोग के शब्द की दर्पण छवि को पहचानना, दर्पण छवि मतलब हम लोग को इसमें मिरर इमेज के अकॉर्डिंग हमको देखना कौन सा ऑप्शन इसका आएगा।
तो मिरर इमेज में क्या होता है फ्रेंड्स के राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। कहने का मतलब है जो आपको लेफ्ट में जो ये आपको जो एल दिख रहा था ये एल का जो पोजीशन होगा हम लोगों का ये हमको ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का एल जो है यहाँ पे जो राइट में है वो हमको लेफ्ट में आना चाहिए। यहाँ पे ये तो खैर गलत हो जाएगा, यहाँ पे एल होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग का पी जो कि गलत लिखा हुआ है इसलिए तो खैर ऐसे ही कट जाएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट नंबर भी कट जाएगा क्योंकि एल का पोजिशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं सेकंड बी नंबर और सी नंबर। तो बी नंबर देखिए फ्रेंड्स आपको एल सही दिख रहा, आई भी सही दिख रहा, सी भी सही दिख रहा, लेकिन एन आपको जेम का तेम दिख रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि एन बदलना चाहिए, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स देखिए एल आपको सही दिख रहा, आई भी सही दिख रहा, सी भी आपको आपको राइट का लेफ्ट में दिख रहा और एन भी आपको इस तरह से बिल्कुल सही दिख रहा, ई भी सही दिख रहा और पी भी आपको सही दिख रहा। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग यहाँ पे लिखा गया फिफ्थ में फिर से कि असंगत संख्या का चुनाव करना। असंगत मतलब उसमें से कोई एक डिफरेंट है जिसको चुनना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग डिजिट अगर दिया गया है तो यहाँ पे आठ और चार यहाँ पे आपको 12 शो कर रहा है, पहले एड करके हम लोग देखते हैं। 9, 6, 15 यहाँ 15 आपको शो कर रहा है, यहाँ पे 8, 6, 14 यानी 14 शो कर रहा है और यहाँ पे 7, 2, 9 आपको 9 शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको 3 से कट जाएगा, इसका सम ये 3 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, लेकिन आपको 14 3 से कटने वाला नहीं है, मतलब ये आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स श्रृंखला को पूरा करना। श्रृंखला को पूरा करना मतलब इसके अकॉर्डिंग हमको आगे की ओर बढ़ना, कौन सा डिजिट आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं यहां से यहाँ कितना बढ़ा। तो यहाँ से यहाँ बोल सकते तीन में से एक या दो, यानी कि यहाँ पे हम लोग 22 बढ़ गया। कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, तो 22 बढ़ा। यहाँ से यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 7 में से 3 या 4, यानी कि हम लोग 24 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा, तो 24 बढ़ा। नेक्स्ट यहाँ से अगर यहाँ अगर बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे 13 में से 7 या 6, यानी कि यहाँ पे हम लोग 26 बढ़ा। तो इस तरह से हम लोग एक सीरीज मिल रहा फ्रेंड्स, यहाँ 22 हुआ, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 26 हुआ। तो नेक्स्ट हमको बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट हमको बढ़ना चाहिए 28। कितना बढ़ना चाहिए फ्रेंड, तो 28। तो 28 अगर इंक्रीज होगा तो 8, 3, 11 के एक हाथ में बचेगा 2 और 2 इसको दे देंगे तो हो जाएगा हम लोग 7, 2, 9, 9, 2, 11 की 1, है ना हम लोग का, यानी कि 8, 3, 11 के एक हाथ में बचा 1, 1 इसको दे दिए 8, 8, 2, 10, 0 हाथ में बचा 1 और 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 201, यानी ये हो जाएगा 201। तो फ्रेंड्स 201 हम लोग बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, ये सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक लाइन बेस का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है कि 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ और 2 पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग करके बैठा हुआ है, ये बिल्कुल फेस टू फेस है, लेकिन ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दो इस तरह से ये दो लाइन लेंगे और प्रत्येक लाइन में हम लोग का 3 आदमी करके बैठा हुआ है, इस तरह से ये 1, 2, 3 इन सभी का फेस साउथ में ले लेते हैं। फेस अगर साउथ में लेंगे तो इसका राइट इधर पड़ेगा और इन सभी का फेस हम लोग नॉर्थ में ले लेते हैं। ये बिल्कुल फेस टू फेस इस तरह से करके इसको बैठा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, मतलब ई किसी भी छोर पे नहीं होगा, ना तो इधर इधर होगा ना तो इधर इधर होगा, ठीक है चलिए उसको बाद में बैठाएंगे। फिर लिखा डी एफ के बाई और दूसरे आसन पे, तो डी किसी भी लाइन में ये हमको भी पता नहीं है, हम मान लेते हैं किसी भी लाइन में बैठा है डी जो है एफ के बाई और, मान लेते हैं अगर एफ अगर यहाँ पे है जिसका फेस ऊपर की ओर है इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा तो डी जो है वह एफ के बाई और दूसरे आसन पे, पहला दूसरे आसन पे है। आगे लिखो सी ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्ण था। विकर्णता मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसका ये वाला ये जैसे हम लोग डायगोनल ही बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे वर्ग का डायगोनल होता है ना कोना टू कोना, उसका ये वाला कोना इसके साथ ये विकर्ण निकालेगा, ये वाला इसके साथ ये विकर्ण निकालेगा। तो लिखो कि सी ई का पड़ोसी तथा डी के विकर्णता बैठा, सी जो है वह ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्णता बैठा, मतलब यहाँ पे डी अगर है तो यहाँ पे सी होगा तो सी जो है वह ई का पड़ोसी, मतलब यहाँ पे हम लोग का ई हो जाएगा। सी जो है वह ई का पड़ोसी तथा डी के विकर्णता बैठा, देखिए यहाँ पे ये जो है डी से क्या है ये विकर्णता, यहाँ पे सी यहाँ पे डी है ये बिल्कुल विकर्ण में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि बी एफ का पड़ोसी, तो बी अगर एफ का पड़ोसी अगर एफ यहाँ पे तो बी कन्फर्म यहाँ पे हो जाएगा और एक आदमी हम लोग का बच गया वो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग से पूछा जा रहा तो कौन सा एक दूसरे के विकर्णता विपरीत है, विकर्णता विपरीत है यानी विकर्णता विपरीत है, ये ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा डी और ए। देखिए डी और ए विकर्णता नहीं है,
ए और सी भी हम लोग को विकर्णता नहीं है, एफ और सी भी विकर्णता नहीं, लेकिन डी और ए और एफ हम लोग को ये विकर्ण में बैठा हुआ, ये ए और एफ क्या है, ये विकर्ण में बैठा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का ये डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी कि ये हम लोग का मिसिंग वन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखिए एक सीरीज के तहत आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में कितना इंक्रीज कर रहा, तो 12 में अगर 8 अगर जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और इसमें से अगर हम लोग 8 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को ये 28 आएगा, जो कि हमको यहाँ दिख रहा। यहाँ से अगर इसमें अगर देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा, यहाँ से 21 से अगर 21 को मतलब यहाँ पे 10 घटा, और यहाँ से 21 से अगर 11 हो रहा मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, ये 10 घट रहा। तो बीच वाले में वैसे ही कुछ सीरीज चलेगा, यानी कि यहाँ 21 से अगर 19 अगर हुआ तो बोलेंगे यहाँ पे -2 हुआ, और यहाँ 19 से अगर -2 अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17, और इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया वेन आरे का चयन करें जो बेहतर ढंग से दर्शा रहा, धातु है, चांदी है, सोना। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सोना और चांदी क्या वो एक मेटल है, धातु है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीच में हम लोग का ये मेटल को रखते हैं, बीच में हम लोग का ये मेटल को रखते हैं, ये मेटल हो जाएगा, ये हम लोग का गोल्ड हो जाएगा, ये हम लोग का सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि कुछ सोना है जो कि है ना, कुछ सोना है जो कि मेटल है, तो गलत हो जाएगा, यानी कि सभी मेटल यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। हम लोग का फिगर हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे ये हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग को हो जाएगा मेटल हो जाएगा, ये हम लोग गोल्ड और ये हम लोग को हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि जितना भी गोल्ड और जितना भी सिल्वर जो है वो मेटल है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग मेटल है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अगला नेक्स्ट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा, फिर यहाँ 2 बड़ा, ऐसा चीज नहीं, ये एक हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का क्या दिख रहा, तो प्राइम नंबर का सीरीज है। सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग को 2 होता है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 13 दिया गया, यानी नेक्स्ट हम लोग कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर हम लोगों का ये बी होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11th नंबर, जिसमें लिखा गया है असंगत शब्द का चयन करना है, मतलब इसमें से कौन सा डिफरेंट है इसको हमको चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू पे अगर नजर डाले थोड़ा सा, तो यहाँ पे यू का प्लेस वैल्यू है 21 और वी का प्लेस वैल्यू है 22, मतलब इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग का 1 का दिख रहा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आर का प्लेस वैल्यू होता है 18 और टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 का दिख रहा। फिर यहाँ पे F का प्लेस वैल्यू होता है 6 और H का प्लेस वैल्यू होता है 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का दिख रहा। और यहाँ पे X का प्लेस वैल्यू होता है 24 और Z का प्लेस वैल्यू होता है 26, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा, 2 का दिख रहा। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें 2 का डिफरेंस दिख रहा, बट इसमें 1 का डिफरेंस दिख रहा, इसलिए ये अलग होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का सिलोगिज्म का क्वेश्चन, दिया गया है कि सभी तने फूल है, जितने भी तने फूल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं, जिसमें लिखा गया सभी तने फूल है मतलब बोल सकते हैं T4 तना हो गया, और जितना भी तना क्या है ये फूल है, यानी सारा फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया कुछ फूल है जो पेड़ है, तो कुछ फूल है जो कि हम लोग का पेड़ है, यानी कुछ फूल है जो कि हम लोग ये पेड़ है, यानी कि ये ट्री है, ट्री इसको ट्री लिख देते हैं, और यह तना है। नेक्स्ट लिखा कुछ पेड़ है जो पत्ती है, यानी कुछ पेड़ है जो लीफ है, ये लीफ है, हम लोग ये पत्ती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको फाइंड करना है, या कंक्लूजन दिया गया है कि कुछ तने पेड़ है, तो कुछ तना है, तना यहाँ पे है और पेड़ हम लोग का यहाँ पे है, तो तना का पेड़ के साथ कोई जानकारी हमको आता पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड में लिखा है कुछ फूल है जो पत्तियां हैं, फूल यहाँ पे है फ्रेंड्स, फूल हम लोगों को, फूल जो है फ्लावर हम लोग को यहाँ पे है, और पत्ती हम लोग को यहाँ लीफ है यहाँ पे, इसके साथ कोई हमको लिंक आता पता नहीं है, जानकारी नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा, इसलिए आंसर बोलेंगे बोथ आर रॉन्ग, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हम लोगों का कि विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चीज को, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे 7 और 5 का जो डिफरेंस, ये हम लोग का 2 का डिफरेंस दिख रहा,
और यहाँ पे 5 में से 3 का अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इधर भी हम लोग कितना आएगा तो ये 2 आएगा, और 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ भी हमको कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पे इसको क्या किया गया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, कितना से मल्टीप्लाई किया गया फ्रेंड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग 666 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए 8 में से अगर 7 जाएगा तो 1 आएगा, और 8 7 में से अगर 2 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। और इसको हम लोग अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा यानी कि 7 के 21, 21 के 1 हाथ में 2, और 5 के 15, 15 और 2 17, 17 के 7 हाथ में 1, और 3 कम 3 और 1 4, यानी कि 471 ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यानी कि हम लोग 47 यानी 47 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th में लिखा है, 14th में लिखा गया है कि नीचे के आरेख में 3 वृत्त ये 3 सर्कल दिया गया है, और आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। तो यहाँ पे पहला जो सर्कल वो डॉक्टर को शो कर रहा, ये शिक्षक को, और ये हम लोग को शो कर, ये भारतीय है, ये इंडियन है। हमको बोलता है उन शिक्षकों का पता लगाइए जो ना तो डॉक्टर है और ना ही भारतीय है, यानी कि डॉक्टर भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है। तो डॉक्टर भी नहीं भारतीय भी नहीं, मतलब ये वाला जो सर्कल जो डॉक्टर का इस सर्कल से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे भारतीय नहीं मतलब इस सर्कल से भी क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो इस सर्कल से बाहर हो जाएगा तो हम लोग को सिर्फ बचा क्या, 7 बचा, इसलिए आंसर बोलेंगे 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें लिखा गया है कि इस्माइली का वैल्यू दिया गया 41.5 और CRY cry का वैल्यू देगा 23, दिन फाइंड करना LAPPY का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू पे अगर ध्यान दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो S का जो प्लेस वैल्यू, S का जो प्लेस वैल्यू है हम लोग को होता है ये 19, और M का प्लेस वैल्यू होता है ये हम लोग का 13, और I का प्लेस वैल्यू हो जाएगा ये 9, और L का प्लेस वैल्यू हो जाएगा ये 12, और E का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5, और y का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 25। इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम लोग क्या मिलता है, तो बोलेंगे 9 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 हो जाएगा हम लोग का 23, 23 और 10 33, 33 के 3 हाथ में बचा 3, तो 3 और 3 3 2 5, 5 और 1 6, 6 6 2 8 यानी हो गया 83। और 83 को अगर हम लोग अगर 2 से अगर डिवाइड कर दे, इसको अगर हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 कम 2 और 0.5 यानी 41.5 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि सभी का प्लेस वैल्यू को ऐड करके अगर हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 41.5 आ रहा है। और इसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया गया सी आर वाई क्राई का वैल्यू 23 लिखा, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका क्या आता वैल्यू, तो यहाँ पे सी का वैल्यू होगा 3, और यहाँ पे आर का वैल्यू होगा हम लोग का ये 18, और y का वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का 25। इन सभी को ऐड करते हैं तो 8 3 11 11 5 16 6 में 2, 16 6 में 1, 21 को देते हैं तो 3 3 और 1 4 यानी कि 46 डिवाइड बाय हम लोग को 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 23, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहा, जो वैल्यू आ रहा है वही यहाँ पे लिखा जा रहा। इसमें भी सेम काम हम लोग करना होगा, मतलब हम बोल सकते हैं तो तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं L का प्लेस वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 12, A का प्लेस वैल्यू 1, P का प्लेस वैल्यू 16, फिर P का प्लेस वैल्यू 16 प्लस Y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 25। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5 6 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 2 20 की 0 हाथ में 2, 2 इसको दे दिए तो 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 6 और 1 7 योगी 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा हम लोग का ये 35। ये हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना पड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है ये हम लोग का मिरर, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग वर्टिकल यानी खड़ा अगर रखा गया मिरर को, मतलब वो मिरर है जिसमें राइट का लेफ्ट लेफ्ट का राइट होता है, तो यहाँ पे हमको बोला कि इसका जो हम लोग दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब कि अगर ऐसा दिख रहा तो हम लोग का ये क्या होगा, इसमें सबसे पहला क्या होगा कि ये के जो है हम लोग सबसे पहले के दिखेगा कि हम लोग जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में यानी ऐसा हो जाएगा ऐसा। अब बी जो हम लोग इधर है तो बी हम लोग का हो जाएगा इस साइड, ये हम लोग का बी हो जाएगा ऐसा ऐसा।
तो ऐसा देख लेंगे हम लोग कहाँ पे दिख रहा है, वही मेरा आंसर क्या लगेगा। यानी के जो हम लोग का इधर सबसे पहले के दिखेगा और जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, इसमें भी चेंजिंग इसमें भी चेंजिंग, तो ऐसे हमको कहाँ से मैच कर रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग को सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, है ना। और तुम लोग कहीं पे दिख नहीं रहा और कहीं पे हम लोग को दिख नहीं रहा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संबंधित संख्या का चयन करें, मतलब 2 = 32 लिखा देन 3 = what पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि 2 = 32 का मतलब ऐसा हो सकता है कि हम बोलेंगे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब 2 × 4 × 8 × 16 × 32 यानी 32 हम लोग का आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ 3 to the power 5 अगर करेंगे तो वो सिर्फ 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 81 = 343 है ना, 343 यानी कि 81 को अगर हम लोग गुना करेंगे 3 से 8 × 24 यानी कि 3 हो जाएगा, 8 × 24 243 होगा। तो 243 यानी कि हम लोग कहाँ पे दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें इस तरह से लिखा गया है, बोला है कि है ना, यहाँ पे हमको लिखा गया अनिल जो है वो सनी से लंबा है, तो यहाँ पे ए फॉर अनिल हो गया, या फिर इसको हम पूरा नाम इस तरह से लिख देते हैं, ये अनिल हो गया, ये अनिल है, अनिल जो है वह सनी से लंबा है, तो सनी आ जाएगा हम लोग का नीचे, ये हो जाएगा सनी, SUNNY, अनिल जो है वह सनी से लंबा है जो बेबी से छोटा है। तो यहाँ जो शब्द किसके लिए आता है फ्रेंड, तो बाद के लिए आता है, यानी ये जो आ हम लोग का सनी को बता है, जो बेबी से छोटा है, तो बेबी से छोटा कौन है, सनी। तो बेबी से अगर छोटा अगर सनी है तो बेबी हम लोग का यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोग का बेबी हो सकता है, बेबी हो सकता है, और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी हो सकता है बेबी, यानी यहाँ पे भी बेबी हो सकता है, ठीक है। आगे लिख रहा हम लोग का है ना इस तरह से, और फिर हम लोग को लिखा गया है कि अनिल जो है बॉस से लंबा है, अनिल किससे लंबा है, बॉस से लंबा है, अनिल बॉस से लंबा है जो सनी से छोटा है, तो सनी से छोटा है, है ना। तो अनिल जो है लिखा गया है कि अनिल बॉस से लंबा, अनिल जो है, अनिल तो हम लोग को बॉस से लंबा है जो सनी से छोटा, तो सनी यहाँ पे है, यानी कि हम लोग का जो है ना जो सनी से छोटा, अनिल बॉस से लंबा है, तो बॉस हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का ये बॉस, बॉस जो कि अनिल जो है वह बॉस से लंबा हो गया, और जो सनी से क्या हो रहा है, जो सनी से हम लोग का ये छोटा दिख रहा, ठीक है। फिर लिखा कि बेबी अनिल से छोटी है, तो बेबी अगर अनिल से अगर छोटी है, मतलब यहाँ पे बेबी को यहाँ नहीं होना चाहिए, बेबी को यहाँ होना चाहिए ताकि वो अनिल से क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। तो बोलता है यह बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो हम लोग को बॉस दिख रहा है जो सबसे नीचे है, इसलिए आंसर बॉस हो जाएगा। और इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आता है फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें लिखा गया है कि 7 आदमी है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठा हुआ है, एक सर्कल बनाएंगे, इसके चारों ओर हम लोग का 7 आदमी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदमी इस तरह से ले लिए। अब यहाँ पे बोला गया कि डी जो है वह ए के बाएं तीसरे स्थान पे, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ए है तो डी ए के बाएं तीसरे स्थान पे, यानी पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ये डी, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डी, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पे, सभी का फेस कहाँ मान ली, तो हम लोग ये सेंटर की ओर मान ली इस तरह से। तो डी जो है ए के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे आ गया। आगे लिखा गया कि जो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, ये जो शब्द आता है यह आता है बाद के लिए, मतलब ये हम लोग को बताया किसके लिए, तो ये ए के लिए बताएगा, यानी कि बोलता है कि जो कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी ए जो है ना एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो एफ को अगर हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो पहला दूसरा दूसरे स्थान पे आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है वह एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जहां पे एफ है उसके अगल बगल में, यानी कि यहाँ पे ई हम लोग का नहीं होगा, और यहाँ पे भी हम लोग का ई जो है यहाँ पे नहीं होगा, और डी के बगल में भी हम लोग का ई नहीं होगा, तो ई एक जगह जो खाली है यहाँ पे हम लोग का कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। और फिर लिखा सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा फ्रेंड, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे, सी बी के बाएं, अगर यहाँ पे अगर हम बी को अगर रखते हैं, यहाँ पे अगर हम बी को रखते हैं, इसके बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हमको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर बी को अगर हम यहाँ पे अगर पुटअप करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सी हो सकता है, जो कि लिखा सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे, यहाँ अगर बी होगा पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हम लोग कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पे अगर बी को रखते तो पहला दूसरा तीसरा जगह हमको नहीं मिल पाता, मतलब ये सही जगह है। बोला कि सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे, तो सी जो बी के बाएं तीसरे, यहाँ पे अगर बी को रखेंगे पहला दूसरा तीसरा यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी। और एक आदमी हम लोग का बच गया है,
यानी कि हम लोग का बैल क्या है, ए हो गया है, बी हो गया है ना, हम लोग का ए हो गया, हम लोग का बी हो गया, हम लोग का सी भी हो गया है, हम लोग का डी भी हो गया, ई भी हो गया, ए भी हो गया, यानी कि हम लोग का बच गया जी, तो जी को हम रखेंगे यहाँ। अब हमसे पूछा जा रहा तो बताइए कि है ना, तो एफ के संबंध में ई की स्थिति क्या होगा, एफ के संबंध में यानी इसके रेस्पेक्ट में हमको ई का वैल्यू बताना। तो हम बोलेंगे इधर से अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा, यानी बोलेंगे बाएं से तीसरा, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग इधर से अगर देखेंगे, इधर से अगर देखेंगे तो बोलेंगे बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी बाएं को तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाएं, बाएं को तीसरा, ये मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सारे वीडियो को देखे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।